कांस्टेबल की रोडरेज में मौत हो गई है, क्या मामला है पूरा सर? कांस्टेबल संदीप 2018 बैच का करीब 30 साल का था एंड पुलिस स्टेशन नांगलोई में पोस्टेड था। कल रात की आज अर्ली मॉर्निंग की बात है एक्चुअली 2:15 के एंड हमें पता ये लगा कि उसका डेथ हो गया एक्शन बालाजी हॉस्पिटल में। तो पहले सोनिया हॉस्पिटल ले जाया गया था, उसके बाद एक्शन बालाजी में गए थे। इंसिडेंट के बारे में पता लगाया तो संदीप जो है अपने बाइक से जो है ऑन ड्यूटी बीट पेट्रोलिंग के लिए निकला था एंड वीना एनक्लेव के सामने जब लेफ्ट टर्न कर रहे थे तो लेफ्ट टर्न के दौरान एक दूसरा व्हीकल वहाँ पे फोर व्हीलर था वैगनआर एंड उसको क्रॉस करने के लिए उसको जब क्रॉस करके निकला तो शायद उनके बीच में रोकने के लिए कुछ बात हुई होगी, लेकिन जब वो आगे निकल गया तो व्हीकल ने सडनली एक्सलरेट किया है और पीछे से टक्कर मारा और अराउंड जो एज पर जो मौका दिखा है 10 मीटर के करीब जो है ड्रैग किया और दूसरे व्हीकल में हिट किया जिससे कि क्रश हो गया और क्रश होने की वजह से हेड इंजरी बहुत सीरियस हो गया और इसी आई थिंक हेड इंजरी की वजह से डेथ हुआ और दो पीएम जो करेंगे उससे हमें फर्दर वेरीफाई हो जाए। सर क्या वजह थी जिस वजह से उनके बीच में ये न बताए कि उसने प्राइमर फेसाई लग रहा है कि रोड रेज टाइप का हुआ है बट वंस एक्यूज को हम अप्रीहेंड करेंगे उसके बाद ही मैं आपको फर्दर FIR 102 BNS में होगा। सर क्या सिविल में था, यूनिफॉर्म में था? सिविल में था, बीट नंबर 3 है, बिना इनक्लेव्ड मोस्टली रेसिडेंशियल है तो जो थेप्ट वगैरह के इंसिडेंट्स हैं उसको स्पेशली चेक करने के लिए सीवीज में ड्यूटी में। गाड़ी पुलिस की थी या गाड़ी भी सिविल थी? सिविल अपना ओन व्हीकल। अच्छा सर कोई और था संदीप के साथ में उस समय, कोई और पुलिसकर्मी या वो अकेला था? नहीं बाद में पीछे से आए हैं लेकिन उस वक्त जो पेट्रोलिंग में निकला है वो अकेले ही बाइक। सर बातें चल रही कि उसमें कोई दबाव बनाया जाता है किसी काम को करवाने के लिए, ऐसा कुछ अब तक सामने आया हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्लियर कट रोडरेज का मामला भी था? यस। जो दोनों है, जो दो आरोपी हैं शायद किसी की पहचान हो पाई हो, कौन है क्या है? दोनों आरोपी को हम सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं, एक बार कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपको। सर गाड़ी आपके पास है या नहीं? हाँ व्हीकल ऑलरेडी हमने सीज कर लिया है, व्हीकल हमारे पास है, बाकी जो एरिया है उसको भी हमने सीन ऑफ क्राइम एनालिसिस कर लिया है, हमारे फॉरेंसिक टीम से भी एनालिसिस कर लिया है, मेडिकल के प्रोसीजर्स और अभी शुरू होंगे एंड पुलिस जो है इसमें जो एक्यूजर्स को ढूंढने में सरगर्मी से लग सकते। आरोपी का नाम पता, मतलब गाड़ी की मालिक कौन है, क्या प्रोफाइल है, क्या काम करते हैं? उसका मैं चाहूँगा कि हम वेरीफाई करके आपको बताएं। आरोपी गाड़ी का मालिक ही है कोई और था? वो हम वेरीफाई करके बताएंगे कि गाड़ी को कौन ड्राइव कर रहे थे, सारा डिटेल जो है